अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ज़ाहिद महमूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ घंटी का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो मौसूल हो सकें। आज जो मैं आपके लिए पहली ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ वो है ICC इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जिसमें इंग्लैंड जो है वो फतेहयाब हुआ और उसको आखिरी ओवर में जो 6 रन्स थे वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, जिसकी ICC अपने तौर पे इंक्वायरी कर रहा था और अपने तौर पे वो देख रहे थे। जिसके जो अंपायर था, फील्ड अंपायर वहाँ पे धर्मा सेना श्रीलंका के अंपायर हैं, उन्होंने खुद भी इसका गलती का एतराफ़ किया अपने एक ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे 6 रन्स नहीं देने चाहिए थे, 5 रन्स बनते थे और गलती से 6 रन्स दिए गए, जो कि न्यूजीलैंड जो कि बहुत अच्छी टीम जा रही थी उसकी नाकामी का सबब बना, और अगर वो 6 रन्स ना दिए जाते तो यकीनन सुपर ओवर जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं बनती थी। तो ये मैच देखने में तो काफ़ी दिलचस्प था, बहुत से लोगों ने देखा, एक एक लम्हा उसका पुरजोश था और दिल दहलाने वाला था, सब लोगों ने बहुत ही उसको इंजॉय किया, लेकिन उस पे बहुत से सवाल उठे। एक तो सुपर ओवर में जो बाउंड्रीज पे फैसला किया गया, इंग्लैंड का जो कैप्टन था जो कि फतह हासिल करने वाली टीम थी उसके कैप्टन ने भी उसको तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इतने बड़े मैच को जो है वो बाउंड्रीज का फैसला, ज़्यादा बाउंड्रीज पर फैसला देना ये मुनासिब नहीं था। इसके साथ साथ जो और दूसरे ज़राए थे उनसे भी जो खिलाड़ी थे, मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी तनकीद का सिलसिला इस पर जारी था, तो ICC ने इस पर खुद नोटिस लिया और आज उसका फ़ैसला उन्होंने दिया कि मुतनाज़ 6 रन्स का जो मामला था उसमें उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि चूँकि जो फील्ड अंपायर थे धर्मा सेना, उन्होंने अपने साथी अंपायर के साथ मशवरा किया और मशवरे के बाद दोनों के मशावर से जो ये फैसला 6 रन्स का फैसला दिया गया, उसके बाद थर्ड अंपायर जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और उससे फैसला लेने की कतन ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इस फैसले को दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि एक राय जो है वो अनिल कुंबले जो है उनकी सरबराई में एक कमेटी जो है वो काम कर रही है, जो इसी फैसले के ऊपर जो है वो मशावरत कर रही है, उस पर काम कर रही है, उस हवाले से उनका इजलास जो है वो अगले साल होगा और उसमें ये देखा जाएगा कि ये जो मुतनाज़ 6 रन्स दिए गए आया ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। लेकिन अब तक जो है वो ICC ने इसको दुरुस्त करार दे दिया और उन्होंने कहा कि चूँकि ये जो वहाँ पे धर्मा सेना जो फील्ड अंपायर थे श्रीलंकन, उन्होंने मशावरत से ये फैसला दिया अपने साथी अंपायर की मशावरत से, इस वजह से इसमें कोई थर्ड अंपायर से फैसला लेने की गुंजाइश नहीं थी। जब दोनों अंपायर मिल के मशावरत के साथ जब किसी का फैसला देते हैं, किसी भी मैच में कोई भी अगर ऐसा इवेंट आता है उसका फैसला देते हैं, तो उसमें थर्ड अंपायर से फैसला नहीं लिया जाता और ये बिल्कुल दुरुस्त था, 6 रन्स जो उन्होंने दिए वो उस फैसले को ICC ने दुरुस्त करार दे दिया। बाकी तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि ICC को इस फैसले ये सारे मामले को देखना था, उन्होंने भी अपने तौर पे देखा और इसको दुरुस्त करार दिया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था अपने इस चैनल के जरिए से, अपने इस ब्रेकिंग न्यूज़ विद ज़ाहिद महमूद के चैनल के जरिए से। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मौसूल होती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।